नमस्कार, मैं अश्वानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कर्नाटक में हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट के खंडित फैसले से मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में शामिल दोनों जजेस जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया है, जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को पलट दिया है। भागलपुर में तिलकामांझी विश्वविद्यालय के अंबेडकर विचार विभाग में चपरासी और देर रात पहरेदारी का काम करने वाले कर्मचारी कमल किशोर मंडल का चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ है। हालांकि इस पद पर अभी इनका ज्वाइनिंग नहीं हुई है। भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के एशिया कप में आठवीं बार फाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में थाईलैंड को करारी शिकस्त दी। फाइनल मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की टक्कर पाकिस्तान या श्रीलंका से हो सकती है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पद से इस्तीफा देने की संभावना के बीच उनसे एक इंटरव्यू में उनके इस्तीफे को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अभी वह अपने गांव में हैं और आराम कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर उन्हें कोई बात नहीं करनी है। गोवा से आ रहे स्पाइस जेट के एक विमान की बुधवार रात हैदराबाद हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में लैंडिंग कराई गई। अधिकारियों ने बताया कि विमान के केबिन में धुआं दिखने के बाद बुधवार की देर रात विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अपराधियों ने योगापट्टी थाना क्षेत्र के गोलाघाट डुमरिया हिरौली गांव में गुरुवार की सुबह अंधाधुंध फायरिंग की घटना में वार्ड सदस्य सहित चार लोग जख्मी हो गए। उनका इलाज बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हो रहा है। ग्रामीणों ने एक अपराधी को पिस्टल सहित पकड़ पुलिस को सौंप दिया। गुजराती फिल्म छेलो शो द लास्ट फिल्म शो भारत की तरफ से इस साल ऑस्कर में भेजी गई है। फिल्म में मुख्य किरदार समय के रूप में भविन रबारी निभा रहे हैं। मूवी की कहानी बहुत ही सादी सी है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि वे बुधवार को टीवी पर साईं बाबा का सीरियल देख रहे थे। इस एपिसोड में साईं बाबा चमत्कारी भभूत देकर अपने भक्तों के कष्ट दूर कर रहे थे। यह देखकर उनके मन में भी सवाल पैदा हुआ कि क्या साईं बाबा सच में चमत्कार कर सकते हैं। फिर उन्होंने बाबा का स्मरण करते हुए कहा था कि उन्हें भभूत का प्रसाद ही दें। इसका नतीजा हुआ कि उनके घर और उनके कार्यालय में साईं बाबा का भभूत आ गया या उन्हें लिफाफे में मिला, ये तेज प्रताप ने खुद वीडियो जारी कर कहा है। कस्टम्स विभाग ने आज बताया कि सोना तस्करी मामले में 7 यात्रियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 22 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई है। ये यात्री सोने के ब्रेड स्लाइस व अन्य रूपों में छिपाकर मुंबई एयरपोर्ट पर ले जा रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर में है अपने इलाज के सिलसिले में। वहां गए लालू अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के पास हैं। वहां देश और बिहार की राजनीति की कश्मकश से दूर उनके फुर्सत के पलों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊना रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इसके बाद बल्क ड्रग फार्मा पार्क का शिलान्यास और IIIT का ऑनलाइन लोकार्पण किया। खास करवा चौथ पर सुबह से तैयारियां चल रही है। गुरुवार 13 अक्टूबर को सुहागिनों का सबसे बड़ा व्रत करवा चौथ है। अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चांद दिखाई देगा, जैसे मुंबई में 8:48 पर, कोलकाता में 7:34 पर, जयपुर में 8:18 पर, पटना में 7:44 पर चांद दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को एक निजी बैंक के विज्ञापन को लेकर नसीहत के साथ अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आमिर खान को ऐसा कोई विज्ञापन नहीं करना चाहिए जिससे धर्म विश्वास की भावनाओं को ठेस पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को श्री महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। स्टेज पर शिवराज सिंह चौहान जेब से निकालकर कुछ खा रहे थे, तभी मोदी की नजर उन पर पड़ गई। लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रमुख नेताओं को सपा कैंडिडेट के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इनकी प्रदेश कार्यालय से ड्यूटी लगाई गई है। प्रमुख नेताओं में जातियों को प्रभावित करने वाले नेताओं को खास तवज्जो दी जा रही है। दिवाली और छठ पूजा को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं और ट्रेनों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस बीच रेलवे ने त्यौहार स्पेशल कई ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसमें ज्यादातर ट्रेन राजधानी दिल्ली और मुंबई से चलाए जाने हैं। स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कुदघाट इलाके में SK मूवीज के स्टूडियो के गोदाम में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने पर काबू पाया जा सका। नीरज चोपड़ा और रणवीर सिंह का डांस वीडियो एक फैन पेज पर ट्विटर पर शेयर किया गया है। इसमें दोनों एक इवेंट में साथ में स्टेज शेयर करते दिखे। वीडियो में दोनों मेरा वाला डांस गाने पर जबरदस्त नाचते दिख रहे हैं।
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की खबरें इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। अब सिड ने इस पर चुप्पी तोड़ी है। उन्हें नहीं लगता कि 10 साल तक इंडस्ट्री में रहने के बाद परेशान होने की कोई बात है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी शादी हो रही है तो इसे गुप्त रखना बहुत ही मुश्किल होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मिस्र, भूटान, नीदरलैंड, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया के मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने OECD के महासचिव कॉर्मन और FATF के अध्यक्ष राजा कुमार से भी मुलाकात की। OECD महासचिव के साथ वित्त मंत्री ने 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंट में द्विपक्षीय जुड़ाव और OECD के समर्थन पर चर्चा की। देश की रक्षा में सैन्य ऑपरेशन के दौरान हताहत होने वाले सैनिकों की मदद के लिए आम लोग अब अधिक सहूलियत के साथ सीधे मदद कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन रक्षा मंत्रालय के गुडविल एम्बेसडर होंगे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय एक वेबसाइट शुरू करने जा रहा है जिसका नाम मां भारती के सपूत होगा। इसके जरिए आम लोग भी आर्म्ड फोर्सेज बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड में अपना योगदान कर सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने एक बार फिर से पाकिस्तान को फटकार लगाई है। भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रुचिरा कंबोज ने अगस्त 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में अपना कार्यभार संभाला था। वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर सफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब के मामले पर विवादित प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बेपर्दा रहने पर आवारगी बढ़ती है। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि बच्चियों पर नियंत्रण के लिए हिजाब जरूरी है। इस्लाम कहता है कि जब बच्ची बड़ी होने लगे, जवान होने लगे तो उसे हिजाब में रहना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर तक मिस्र के दौरे पर रहेंगे। यह मिस्र की उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी जिसके दौरान वह अपने मिस्र के समकक्ष के साथ पारस्परिक हित के कई द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह विशेष आयोजन #loveyoureyes यानी अपने नेत्रों से प्रेम करें थीम पर मनाया जा रहा है। विश्व दृष्टि दिवस मनाए जाने की शुरुआत लायंस क्लब इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी। योगी कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है। इसके साथ ही परिवहन के कई प्रस्ताव पर पास हुआ है। कैबिनेट प्रस्ताव में अमेठी जेल को मंजूरी मिली है। अमेठी में 990 लोगों की क्षमता की जेल बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को खुले में शौच मुक्त यानी ODF+ का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन ODF+ का दर्जा पाने वाले इस शहर की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है जिसमें नगर निगम के अधिकारी जिस नाले के ऊपर खड़े होकर निरीक्षण कर रहे थे उसी नाले के नीचे एक व्यक्ति खुले में शौच कर रहा था। 1970 में CPI विधायक कृष्ण देसाई की हत्या ने न केवल शिवसेना के विधानसभा में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया बल्कि इसके परिणाम स्वरूप मध्य मुंबई में भगवा पार्टी की प्रभुत्व भी बढ़ाया है। पुष्पा फेम एक्टर को इंडियन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। अल्लू अर्जुन के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस पहल का मकसद क्षेत्र में पारदर्शिता लाना और चुनाव प्रक्रिया में सुधार करना है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आशा कुमारी, रविशंकर साह, सन्नी यादव, नुनु कुमार, पवन सिंह, के सिन्हा, अंकित कुमार, दीपक कुमार और यादव नवीन राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि हिजाब पर उठे विवाद के मामले में आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।